ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि अंधी सरकार और लुटेरी सरकार ने जो लूट मचाई हुई है उसको रोकने के लिए है। आज आप अगर क्रूड ऑयल की बात करें, 2014 में $160 की पर बैरल थी और आज वो $67 की पर बैरल है, पर उससे दुगना रेट हो गया, उससे $35 पर 35 रुपया पेट्रोल का। पेट्रोल डीजल पर टैक्स इतने ज़्यादा लग गए हैं, आज भी अगर सरकार चाहे तो आज शाम तक भी रेट कम हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी सत्ता के बंदरबांट करने में लगे हुए हैं। किसी को मंत्री पद देना है, किसका क्या करना है, उनको देश के आम नागरिकों की चिंता नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता बांटने पे और सत्ता सुख लेने पे लगे हुए हैं बैठे हैं। ये बैल और पशु ही समझ रही है, अगर इंसान समझती तो किसानों को घर वापस भेज देती सरकार। 7 महीने वहाँ ना बैठना पड़ता, 550 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद ना होते। और जो ये सरकार कपड़े उतार कर प्रदर्शन करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कोई और सरकार है। आज संयुक्त किसान मोर्चे के वाहन पर पूरे देश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है, उसी प्रदर्शन को हम बस्ताड़ा टोल पर कर रहे हैं और बुग्गी लेके कर रहे हैं। इससे यही मैसेज देना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल आज इतने महंगे हो गए, वो चलाने की अब हिम्मत नहीं रही लोगों में। तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर किसान प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैलगाड़ी को यहां पर लेकर आया गया है और साथ ही साथ LPG के जो सिलेंडर हैं, यानी कि जो गैस सिलेंडर हैं, वो भी यहाँ पर है, यानी कि गैस सिलेंडर के साथ साथ जो पेट्रोल आप देख सकते हैं सिलेंडर है, क्योंकि गैस रसोई जो है उसके दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, और ऐसे में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के जो दाम बढ़े हुए हैं उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आज किसानों की तरफ से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है। बैलगाड़ी लेकर यहाँ पर आए हैं और साथ ही साथ गैस सिलेंडर लेकर भी आए हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का एक जो संदेश है वो यहां पर तमाम किसान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर यहां पर है, बैलगाड़ी यहां पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम 98 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। पेट्रोल के दाम, वहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बात की जाए तो 100 रुपए के पार उसके दाम पहुंच चुके हैं, वहीं डीजल की बात की जाए तो 90 रुपए के पार डीजल के दाम पहुंच चुके हैं और इसी के चलते ये विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। आज पूरे भारत के अंदर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बुग्गा जोटी लेकर यहाँ पर आए हैं, यानी कि ये बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी के जरिए एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर भी यहाँ पर है, क्योंकि रसोई गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो गाड़ियाँ हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर वो एक कतार में लगा दी गई हैं, ताकि ये जो एक संदेश है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इस समय धान का सीजन चल रहा है और ऐसे में जीरी में पानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और उधर लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसके चलते किसान को जनरेटर चलाना पड़ रहा है और उसमें डीजल की खपत होती है और डीजल की खपत अगर ज़्यादा होगी तो फिर जो असर है वो किसान की जेब पर पड़ेगा, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और ये विरोध प्रदर्शन बैलगाड़ी के जरिए, सिलेंडर के जरिए जो किसान है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है 10 से 2 बजे तक, यानी कि तकरीबन किसी जगह 2 घंटे का ये प्रदर्शन है, किसी जगह ये 4 घंटे का प्रदर्शन है और इसी प्रदर्शन के जरिए सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बैलगाड़ी यहां पर लेकर आए हैं और बैलगाड़ी पर बैठकर जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा का राउंड है वो किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है और इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते रहेंगे तो फिर किसानों की तरफ
तरह से यूं ही प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम तकरीबन 98 रुपये हो गए हैं, वहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम के जो दाम हैं वो 100 रुपये के पार पहुंच चुके हैं, वहीं डीजल के दाम 90 रुपये के पार पहुंच चुके हैं, और इसलिए विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। कुछ किसानों से भी बात कर लेते हैं जो लगातार आगे इस प्रोटेस्ट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए ये बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन? देखो, आज पूरा देश इस महंगाई से त्राई त्राई कर रहा है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है, उसी प्रदर्शन को हम बस्ताड़ा टोल पर कर रहे हैं और बुग्गी लेके कर रहे हैं। इससे यही मैसेज देना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल आज इतने महंगे हो गए, वो चलाने की अब हिम्मत नहीं रही लोगों में। ये बैल का अंदाज क्यों, मतलब क्योंकि इस तरीके का अंदाज खेतों में देखने को मिलता था, आज सड़क पर क्यों? सड़क पर इसलिए भी है, जो ये सरकार है 7 महीनों से किसान अपने प्रदर्शन के लिए, अपने ये तीनों काले कानून रद्द करवाने के लिए वहां बैठे हैं। ये बैल और पशु ही समझ रही है, अगर इंसान समझती तो किसानों को घर वापस भेज देती सरकार। 7 महीने वहां ना बैठना पड़ता, 550 से ज्यादा किसान हमारे शहीद ना होते। और जो ये सरकार कपड़े उतार कर प्रदर्शन करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी या कोई और सरकारें थी, आज कहां है ये सरकार? आज किसकी सरकार है? आज बीजेपी की सरकार नहीं, इनके ऑन रिकॉर्ड बयान है कि तेल इतना महंगा हो रहा है। आज बैरल रेट कच्चे तेल के रेट कम हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल 100 से पार है, डीजल 100 के करीब है, और 400 रुपए वाला गैस 850 रुपए बिक रहा है। सरकार तो चाहती है कि हम भी नियंत्रण करें, लेकिन सरकार का कहना है कि हमारे हाथ में नहीं है। सरकार नियंत्रण कर सकती है, जो उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए हैं कांग्रेस सरकार के बाद, इस पे पेट्रोल डीजल पे टैक्स इतने ज्यादा लग गए हैं, आज भी अगर सरकार चाहे तो आज शाम तक भी रेट कम हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी सत्ता के बंदरबांट करने में लगे हुए हैं। किसी को मंत्री पद देना है, किसका क्या करना है, उनको देश के आम नागरिकों की चिंता नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता बांटने पे और सत्ता सुख लेने पे लगे हुए हैं। वो क्या कहना चाहेंगे, ये विरोध प्रदर्शन किस लिए? ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि अंधी सरकार और लुटेरी सरकार ने जो लूट मचाई हुई है उसको रोकने के लिए है। आज आप अगर क्रूड ऑयल की बात करें, 2014 में $160 की पर बैरल थी और आज वो $67 की पर बैरल है, पर उससे दुगना रेट हो गया, उससे $35 पेट्रोल का रेट होना चाहिए जिस हिसाब से कच्चा तेल है। तो आप देख सकते हैं ये बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी को खींचते हुए नजर आ रहे हैं किसान, और किसानों का कहना है कि जो हालत है वो पशु जैसी कर दी है सरकार ने, और यहाँ पर रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल तमाम जो बढ़ते हुए रेट हैं उसके चलते ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि विरोध प्रदर्शन इसलिए भी है क्योंकि किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम है उसमें समझने की जरूरत है कि इतने ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम इतने ज्यादा है नहीं। ऐसे में सरकार को समझने की जरूरत है कि कच्चे तेल के दाम अगर कम हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, तो फिर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, आगे और राजनीतिक पार्टियां प्रोटेस्ट करेंगी, लेकिन आज किसानों की तरफ से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर आज काफी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल में, तेलों में आग लगी हुई है। आग इसलिए लगी हुई है क्योंकि 100 के नज़दीक पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। रसोई गैस के कारण घर का बजट बिगड़ चुका है, और जब घर का बजट बिगड़ता है तो आम आदमी जाहिर सी बात है परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है, और उसी के चलते सड़कों पर उतरता है। और आज किसानों की तरफ से उतर कर सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ कीर्ति कथोरिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से लाइव, और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से। यहाँ पर देखिए सभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और गैस सिलेंडर के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसी को देखते हुए किसान आज सड़कों पर उतर कर आया है। एक तो पहले ही किसान सरकार से नाराज है और अब इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है, और उसी के चलते आम आदमी आप देख सकते हैं कि इस वक्त कैसे ये किसान नारे लगा रहे हैं
सब लोग सड़कों पर उतर कर आ गए हैं। इस वक्त ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि देख रहे हैं कैसे नारे लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। बस हर आदमी चाहता है कि घर का बजट बना रहे। काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। इसी के चलते आज किसान बसाड़ा टोल प्लाजा पर सब इकट्ठे हुए हैं और ये देखिए किस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बसाड़ा टोल प्लाजा से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही हमारी अपील है। आम आदमी आज इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि आम आदमी बहुत ज़्यादा सहता है। चाहे कुछ भी चले तो आम आदमी ही को ही सहना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली कैसे लाएगी? इतना कहना जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, तो सबका कहना है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने ज़्यादा क्यों है। इसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि ये सब सड़कों पर उतर कर आए हैं। ये सब सरकार से जवाब मांग रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि इतने प्राइसेस कैसे बढ़ चुके हैं? गैस सिलेंडर का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग आम आदमी बनाएगा कैसे, खाएगा कैसे? ये सभी लोग इसी चीज़ को सोच के यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे अपील करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूँ कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ से लाइव।